हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति बेकर्स। और मैं मेघा, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी की रेसिपी। और मूंग दाल की कचौड़ी के साथ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ आलू की सब्जी की रेसिपी, जो कि एकदम मार्केट जैसी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मूंग दाल की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मूंग दाल ली है, और इस दाल को मैंने रात भर सोख करके रख लिया था। तो ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से फूल गई है, और इसका जो पूरा पानी था वो मैंने निकाल दिया है। अब इस दाल को मैं थोड़ा सा साइड में रख दूंगी। मैं यहाँ पे ले लूँगी 2 कप मैदा। अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच अजवाइन, इसको क्रश कर लेंगे थोड़ा सा। और इसमें मैं अब डाल दूंगी नमक। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/3 कप तेल, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये हमारा जो मोयन था वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये डो हमारा बन चुका है। अब इस डो को हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इस दाल को हम पीस कर रेडी कर लेंगे। दाल को हमें पूरी तरह से नहीं पीसना है, इसको हम हल्का दरदरा ही रखेंगे। ये देखिए, मैंने दाल को यहाँ पर पीस लिया है। मैंने दाल को पूरी तरह से नहीं पीसा है, हल्का सा ये दरदरा है देखिए। और इसी तरह से हम सारी दाल पीस कर अपनी रेडी कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दाल पीस चुकी है। चलिए अब इसका हम मसाला बनाकर रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने तेल पहले ही गरम करने रख दिया था, और मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच तेल लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये 2 कटी हुई हरी मिर्ची। इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच अदरक पिसा हुआ, इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये पिसी हुई दाल। इस दाल को हम 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस मैंने यहाँ पर तेज ही रखा है, और इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल को 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। डाल रही हूँ ये सौंफ पिसी हुई, 2 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैंने यहाँ पे आधा चम्मच डाला है। आधा चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला, 1 चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो मसाला था दाल का वो रेडी हो गया है। अब हम अपनी गैस बंद कर देते हैं, और चलिए कचौड़ी बनानी स्टार्ट करते हैं। तो ये आटा हम निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा गूंथ लेंगे। और इनकी अब हम लोइयां बना लेंगे। जितनी बड़ी आपको कचौड़ी बनानी है उसी के हिसाब से आप लोई बना लीजिए। तो नॉर्मली मैं यहाँ पर पूड़ी के बराबर की लोई बना रही हूँ। इस तरह से इसको कर लीजिए, और इसको हम हाथ से ही फैलाएंगे। इस तरह से फैलाकर तैयार कर लेंगे। जो हमने ये स्टफिंग बनाई थी इसमें हम भर देंगे।
इसको इस तरह से दबा देंगे। दबाने के बाद इसको इस तरह से घुमाते हुए हम बंद कर देंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी लोई भरकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कचौड़ी मैंने भर ली है। अब मैं इसको चकला बेलन से नहीं बेलूंगी, हल्का सा मैं इनको इसी तरह से दबा दबा के और सेक लूंगी। अगर आप चाहो तो इनको बेलन से बेल सकते हो, लेकिन मैं नहीं बेलूंगी। और इसी तरह से हम इसको हम सेक लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर तेल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, जो कि गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अपनी कचौड़ी डाल देंगे। गैस हम यहाँ पर धीमी ही रखेंगे। अब इनको इस तरह से पलटते हुए सेक लेंगे दोनों साइडों से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौरी सिक चुकी है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल। अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच जीरा, चुटकी भर ही। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये चार हरी मिर्ची, जिसको मैंने हाफ कट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा अदरक पिसा हुआ, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी पानी, जिससे कि हमारा मसाला जले नहीं। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये आलू, इसको मैंने मैश कर लिया है, ये बॉईल किए हुए आलू हैं। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये कसूरी मेथी, इसको डाल देंगे थोड़ा सा रगड़ के। गैस थोड़ी सी तेज करके इस मसाले को हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये कटा हुआ धनिया, मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच अमचूर पाउडर। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। टोटल मैंने यहाँ पर 3.5 कप पानी डाला है। अब इसको हम रख देंगे पकने के लिए, तब तक हमारी सब्जी में तेल ऊपर नहीं आ जाता है। इसको इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी चटपटी आलू की सब्जी रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी में। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, चटपटी आलू की सब्जी और खस्ता कचौड़ी बनकर हमारी एकदम तैयार हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।